हेलो दोस्तों, एड गोवा चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है अंडरस्टैंडिंग ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन के बारे में आज हम जानने वाले हैं। आज हम जानेंगे इसकी असेंबलिंग, किस तरह से इसको जोड़ा जाता है, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं और इस मशीन के आमतौर पर उपयोग क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह मशीन दीवार, कॉन्क्रीट, लकड़ी और धातु में सुराख या होल बनाती है, वो भी मिनटों में बनाएगी। दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक से डेढ़ मीटर की वायर मिलेगी, उसको आपको एक्सटेंड करके 10 मीटर की एडिशनल वायर उसमें लगानी है, या एक्सटेंशन बोर्ड भी आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपको जो है आप कहीं पर भी काम कर सकें जहाँ पर एक्चुअल करंट आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहा, ये नज़दीक नहीं मिल रहा हमें। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है इसकी की। ये देखिए, इससे हमें इस एक्सटेंशन मशीन को खोलना है, ड्रिल मशीन को खोलना है। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखा दूँ, यहाँ पर इसकी को इस तरीके से डालना है और इस तरीके से आपको घुमाना है ताकि इसका जो डायमीटर है अंदर का ग्रिप का, वो बढ़ जाता है। ये देखिए, और उससे आप छोटे या बड़े साइज के ड्रिल बिट्स इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों होते हैं ड्रिल बिट्स, देख सकते हैं। फिर इसको यहाँ पे कैसे लगाएंगे, ये हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसका जो बीट जो है, इसका प्रमुख अंग है, इसका मेन पार्ट है, कंसेप्ट। इसमें तीन टाइप के बीट्स आपको मिलते हैं। एक होता है कंक्रीट के लिए, दूसरा होता है कि किसी मेटल सरफेस के लिए या लोहे के या एल्युमिनियम की सरफेस को ड्रिल करने के लिए, या तीसरा होता है लकड़ी के लिए। और दोस्तों, हर एक चीज़ के लिए अलग से बीट आते हैं और उनका इस्तेमाल उसी चीज़ में होना चाहिए। जैसे ये वाला बीट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए इस टाइप का नॉच यहाँ पे बना हुआ है। ये बीट दोस्तों कंक्रीट के लिए होता है, इसका दूसरी जगह पे इस्तेमाल आपको नहीं करना होता है, इसका इस्तेमाल सिर्फ कंक्रीट के लिए करना होता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो बीट है, ये बीट दोस्तों लकड़ी का है, लकड़ी के लिए चलेगा। और अगर इस बीट को आप कंक्रीट के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको नहीं चलेगा। आपकी ज़रूरत अनुसार आप बीट की साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, काफ़ी छोटा बीट है, ये देखिए बहुत ही छोटा। और ये होता है सबसे बड़ा 12 mm का बीट, छोटा है और ये 12 mm का बीट है, वो लगभग 2 mm का होगा और ये 12 mm का है। यही ज़्यादातर आखिरी साइज़ होती है दोस्तों इसमें, स्टैंडर्ड जेनरिक सिंपल से जो ड्रिल बीट होते हैं इसमें। और दोस्तों, इसकी कीमत अगर आप देखें तो मार्केट में 800 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक आपको ये मशीन मिल जाएगा इसमें दोस्तों। और मैं बता दूँ आपको, मैं बता रहा था कि आपको इस बीट का दूसरे में इस्तेमाल नहीं होता है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, अगर ये बीट, ये वाला देखिए, ये है एक लकड़ी के लिए बीट, इसको अगर आप किसी कंक्रीट की दीवार में या जो ऐसे शीट्स होते हैं आपके घर पे, जो पत्रे होते हैं उनमें ड्रिल करने के लिए या होल बनाने के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बीट आपको काम नहीं आएगा, ये ज़रा भी काम नहीं करेगा, अंदर ही नहीं जाएगा दोस्तों। हालांकि ये बीट के जैसे ही दिख रहा है, दोनों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, लेकिन ये जैसे आप मशीन घुमाओगे तो सिर्फ इसका ये सिरा घूमेगा और लाल हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, लाल हो जाएगा, एकदम से रेड गर्म हो जाएगा फ्रिक्शन की वजह से, लेकिन उसमें होल नहीं बना पाएगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आप जब भी इस प्रकार का ड्रिल मशीन खरीदे, सही बीट सही काम के लिए आपको लाना ज़रूरी है। दोस्तों, इसमें ये जो पार्ट होता है, ये देखिए,
या आप एक फ्लैप के जैसा स्टार के जैसा दिखाई दे रहा है, इसमें आपको इस की को डालना होता है दोस्तों। इस प्रकार से की को अंदर डाल करके फंसाना होता है ताकि की कहीं खो न जाए और सही तरीके से अपनी जगह पर बनी रहे और जब चाहे आपको इस्तेमाल में मिल जाए। इस ड्रिल की मदद से आप दो लकड़ी के टुकड़ों को आपस में जोड़ सकते हैं ना दोस्तों, स्क्रू लगा सकते हैं या निकाल सकते हैं। इस टाइप के स्क्रूस जो होते हैं वो आमतौर थोड़े बड़े साइज के लकड़ी के अगर स्क्रूस हैं तो उन्हें आप आसानी से लगा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, लेकिन बड़े साइज के दोस्तों। इस मशीन की मदद से दोस्तों आप हिंजिस लगा सकते हैं और दरवाजे भी जोड़ सकते हैं अपनी जगह पे। फिर दोस्तों आप स्लाइडिंग विंडो जो होते हैं आपके एल्यूमिनियम के, उनको भी आप अच्छी तरह से फिक्स कर सकते हैं, उसके फ्रेम को स्क्रू लगा सकते हैं, उसमें होल कर सकते हैं, सभी काम आप इस मशीन से कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे उपयोग हैं दोस्तों, आज हम सिर्फ बेसिक ही सीखने वाले हैं। तो दोस्तों अभी इसके फंक्शंस देखते हैं। ये देखिए ये मशीन है, ये बीट को ग्रिप करने वाला पार्ट होता है और उससे आगे ये देखिए यहाँ पर एक सिंबल लगाया है। इसको इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे, ये सभी बीट्स में आप कौन सा भी ले लें, ड्रिल मशीन ये सिस्टम सभी सेम ही होती है दोस्तों। ये देखिए इस बटन को अगर आप प्रेस कर दें तो ये हैमर का काम करेगा। इसका मतलब है कि इस प्रकार से आगे पीछे इस प्रकार से करेगा ताकि जब आप कंक्रीट में वगैरह होल बनाते हैं तो इसको अच्छी तरीके से वो होल बन सके। अगर आपको ये हैमर फंक्शन नहीं चाहिए तो इस प्रकार से इसे इधर से पुश करना होगा, इधर से ये बाहर आ गया, इसका मतलब है ये हैमर फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आमतौर पर यह हैमर फंक्शन बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। दूसरी चीज़ ये देखिए, ये है इसकी गन है। ये देखिए यहाँ पे आपको ये बटन है, इसको सुन सकते हैं। ये देखिए ये अभी गन चालू है, मैंने लगाई है, इतनी ही आवाज़ आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पे आपको इसकी आवाज़ से नहीं डरना है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है मशीन, लेकिन अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपको लकड़ी में सुराख बनाना है तो सबसे पहले जिस साइज़ की आपको लकड़ी में सुराख बनाना है उस साइज़ का बीट आपने, अभी देखिए ये छोटी सी साइज़ है, इसमें ये अप्रोक्सीमेट मैं ले रहा हूँ, इसे यहाँ पे लगाना है। ये देखिए दोस्तों इस की को यहाँ लगा करके इसको हम खोल देते हैं और इस प्रकार से ज़्यादा खोलना नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतना ही खोलना है। ये देखिए प्रकार से हम इसे लगा देते हैं। ये देखिए एकदम से ज़्यादा अंदर भी नहीं डालना है दोस्तों, थोड़ा सा इस यहाँ पे जो ग्रूस है वो ग्रू ख़त्म होने तक वो एक पोर्शन हमें बाहर रखना है। तो ये बीट हमने यहाँ पे लग गई है, ये देखिए लकड़ी को कट करने के लिए, और ये इसकी स्पीड है दोस्तों, प्लस है माइनस है। ऊपर आप करेंगे तो ये स्पीड कम हो जाएगी, नीचे करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। इसे आप प्रेस करके रखेंगे, अगर आप रनिंग कंटिन्यूस कुछ बड़ा ड्रिल करना चाहते हैं और ये नॉब आपको कंटिन्यूस ऑन रखना है तो इसको दबा करके फिर इस बटन को दबा देना है ताकि ये लॉक हो जाता है दोस्तों। आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से करना है। फिर ये जो है ये बटन स्विच है, डायरेक्शन के लिए है। ये जो है यहाँ से इस पोजीशन में आपको क्लॉकवाइज घूमेगा मशीन, इस पोजीशन में आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और इसकी ज़रूरत सिर्फ आपको अनस्क्रू करने के लिए है, स्क्रू को निकालने के लिए। तो दोस्तों आप देख चुके हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसे किस तरीके से घुमाना है।
और दोस्तों इस बटन को आप धीरे धीरे प्रेस करेंगे तो ये मशीन स्लो स्लो घूमेगा। देखिए जितना आप ज़्यादा जोर से दबाएंगे उतना मशीन ज़्यादा स्पीड से घूमेगा। ये देखिए ये क्लॉक वाइज घूम रहा है और उस साइड में घुमाने के बाद ये एंटी क्लॉक वाइज, ये देखिए एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है दोस्तों। लेकिन ज़्यादातर जो भी काम हम करते हैं उसमें हम क्लॉक वाइज ही हमें घुमाना होता है, एंटी क्लॉक वाइज ज़्यादातर घुमाना नहीं होता है। दोस्तों अभी हम लकड़ी में सुराख बना के देखेंगे। देखिए इस प्रकार से बड़ी आसानी से दोस्तों लकड़ी में सुराख बन गया। दोस्तों इसी लकड़ी में एक यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, ये देखिए आप देख सकते हैं। इसे अगर हमें निकालना है तो बहुत झट से हम निकाल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसे ड्रिल मशीन को ये वाला बीट हमें लगाना होगा। ये सभी बीट आपको मार्केट में मिल जाएंगे दोस्तों, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। दोस्तों इसमें एक साइड में माइनस है आप देख सकते हैं और एक साइड में प्लस है। इसकी मदद से आप दोनों तरह के स्क्रूज को लगा भी सकते हैं बहुत जल्दी से और निकाल भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। मैं आपको अच्छे से लकड़ी, ये देखिए ये फाइन वुड की लकड़ी है, इसमें एक स्क्रू बिठा करके दिखाऊंगा और उसके बाद में उसे निकाल करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए इस प्रकार से पहले इसको राइट लेना है, फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्रू रखना है और धीरे धीरे इसे घुमाना है। ये देखिए दोस्तों काफ़ी आसान तरीके से स्क्रू इसमें लग गया है। दोस्तों अभी इसे आप निकालना हो तो इसे स्क्रू को, ये देखिए ये क्लॉक वाइज है, एंटी क्लॉक वाइज करें। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बहुत स्लो दिखा रहा हूँ दोस्तों, वरना ये काम की फास्ट बहुत होता है। ये देखिए ये स्क्रू निकल गया, इतना आसान होता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको किसी डोर के लॉक जो होते हैं बड़े बड़े, मैं आपको, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे फोटोज़, उस टाइप के लॉक्स होते हैं, ऐसे लॉक्स वगैरह आपको बिठाने हो तो ये वाले बीट को इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए अलग अलग साइज़ के हैं, जिस साइज़ का जो लॉक्स होते हैं ना, जिसके जिसका जो सिलेंडर होता है लॉक का, वो जब दरवाजे के अंदर होता है तो उसी साइज़ का हमें ये होल, बड़ा होल बनाना होता है। तो उसके लिए जो भी आपका सिलेंडर की साइज़ है उस हिसाब से इसको सिलेक्ट करना है बाहर के कवर को, और उस वहाँ पे सेंटर में पकड़ करके ड्रिल कर देना है दोस्तों, तो उस साइज़ का होल आपको बन जाता है और आपका काम बहुत आसान हो जाता है और आपको लॉक बिठाने के लिए एक परफेक्ट होल मिल जाता है दोस्तों। अगर आप अपने घर में कोई वॉल पीस लगाना चाहते हैं दीवार में, या कोई क्लॉक लगाना बिठाना चाहते हैं, और या और कोई हैंगिंग चीज़ आपको लगाने की ज़रूरत है, तो कंक्रीट के जो वॉल्स होते हैं प्लास्टर के, फिर उसमें आप आसानी से होल नहीं बना पाते। अगर इस ड्रिल मशीन की वजह से आप बहुत ही अच्छे तरीके से दीवार में होल बना सकते हैं। मैं उसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये मेरे गैरेज की वॉल है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर आपको कोई वॉल माउंटिंग पीस है, तो अगर आपका स्क्रू सिलेक्ट हो गया हो, सबसे पहले आपका स्क्रू सिलेक्ट करें, कौन सी साइज़ का आपका स्क्रू है उस हिसाब से। देखिए ये मेरी स्क्रू की साइज़ है, देखिए इस साइज़ का मेरा स्क्रू है। तो इस साइज़ के स्क्रू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों ये होता है वॉल प्लग। ये प्लास्टिक में आता है और दूसरे जूट के टाइप में कुछ ऐसा आता है, लकड़ी का भी आता है दोस्तों। ये होता है वॉल प्लग, इसमें होल होता है। तो आपको क्या करना है, इसी साइज़ का जिसमें ये स्क्रू जा सके उस साइज़ का आपको वॉल प्लग मार्केट से ख़रीदने होते हैं।
जनरली अगर आप कुछ वाटर प्योरीफायर वगैरह कुछ आपके घर में बिठाते हो तो उसके साथ में आपने देखे होंगे कि स्क्रूज के साथ इस टाइप के वॉल प्लग आते हैं। अगर आप वॉल प्लग के बिना स्क्रू को लगाएंगे तो वो स्क्रू दीवार में ग्रिप नहीं लेगा दोस्तों, अगर ग्रिप नहीं लेगा तो स्क्रू निकल के बाहर आ सकता है। इसके लिए ये वॉल प्लग दीवार में अंदर जाके फैल जाता है, जब आप स्क्रू को टाइट करते हैं तो ये फैल जाता है और स्क्रू को अपनी जगह पे फॉर्म रख देता है। तो यहाँ पे और एक तीसरा काम करना होता है दोस्तों, ये जो साइज है ड्रिल, ये जो वॉल प्लग की साइज है उसी साइज का बीटा कॉलिंग आता है। ये देखिए दोस्तों ऑलमोस्ट वही साइज है, उसी साइज का आपको कंक्रीट का बीट लेना होता है। ये देखिए एक कंक्रीट का बीट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट हुआ है, कैमरा मेरा फोकस नहीं हो पा रहा है दोस्तों, लेकिन मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि कंक्रीट का बीट कैसे दिखता है। उसको लेकर के आप यहाँ पे जहाँ पे आपको ड्रिल करना है वहाँ पे आप पॉइंट करके मार्क कर लीजिए, मार्क करने के बाद आप उसमें होल बना लीजिए। दोस्तों मेरी मशीन में थोड़ी सी खराबी है, कुछ उसके पार्ट में इशू है दोस्तों, इसके लिए कभी कभी घूमता नहीं है, अभी रिपेयर करवाना है, सिर्फ आपको डेमो दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते रहिए। ये देखिए दोस्तों झट से ये होल बन गया, लेकिन इस होल में मैं आपको क्लोज दिखाना चाहूँगा, इस होल में अगर हम लोग इस होल में सीधे स्क्रू को डालेंगे तो ये स्क्रू निकल जाएगा, लेकिन अगर हम इस वॉल प्लग को डालेंगे तो वो स्क्रू नहीं निकल पाएगा और अच्छी तरीके से इसमें बैठ जाएगा। ये देखिए फिर इसमें जो है इस ड्रिल मशीन के आगे जो बीट है वो बीट निकाल के इसे आपको लगाना है और इस स्क्रू को इस प्रकार से फिक्स आप करना है, वरना आप स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करके भी आसानी से ऐसा फिक्सिंग कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी चीज़ आपको देखनी है किसी दूसरे टॉपिक पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगर कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसमें भी अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे आप बताइए, मैं आपको डिटेल में वीडियो बना करके दे दूंगा। थैंक यू।